मान लो मुझे ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से और मेरे पास टाइम नहीं है, रात का वक्त है और कल सुबह ही मेरे को उसको सबमिट करना है। बस एक चीज जो मेरे अभी दिमाग में चलेगा कि कैसे करूं। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर टाइम बहुत कम है तो मेरे को जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं अपने दोस्त चिंगू को कॉल करूं और बोलूं कि मेरे को ऐसे राइटिंग आर्टिकल राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला है एंड उसकी हेल्प लूं। बट एक दिक्कत है, क्या चिंगू उसको इतने कम टाइम में अच्छे से कर पाएगा? दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अभी AI हर जगह चल रहा है तो मैं एक बार को AI को ट्राई करके देखूं। हां ये तो है कि AI उसको कम टाइम में कर देगा, बट क्या वो क्वालिटी मिल पाएगी मुझे? क्या ऐसा लगेगा कि उसको किसी इंसान ने ही बैठ के सोच के लिखा है? इसका एक ही जवाब है कि रुको, एक्चुअली में चेक करके देखते हैं कि AI कर पाता है कि नहीं, या करता है तो कैसे करता है। मुझे ऐसे राइटिंग के लिए सबसे पॉपुलर एंड सबसे अच्छा जो टूल मिला वो ChatGPT मिला, तो मैंने अभी इसको ही ओपन कर लिया है। इसके अंदर तीन चीजें मिलती हैं, जनरेटर, राइटर एंड स्कॉलर। जनरेटर इज बेसिकली फॉर जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट टू क्रिएट बिल्कुल अनडिटेक्टेबल ऐसे, जिससे ये कोई ना पहचान पाए कि ये AI द्वारा क्रिएटेड है, बिल्कुल ह्यूमन लाइक ये ऐसे क्रिएट कर सकता है। वहीं राइटर वाला है फॉर कॉलेज या फिर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स फॉर राइटिंग पेपर्स एंड आर्टिकल्स वगैरह। वहीं ये स्कॉलर वाला है फॉर एकेडमिक एंड चैट फंक्शन, जो कि 200+ रिसर्च पेपर्स एकेडमिक रिसोर्सेस में ढूंढ के आपको हेल्प करता है इन एंसरिंग एनी ऑफ योर एकेडमिक क्वेश्चन। फिलहाल हम जनरेटर वाला चूज करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अनडिटेक्टेबल ऐसे लिख पाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टॉपिक चूज करने को बोल रहा है कि किस टॉपिक पे हम एक्चुअली में ऐसे चाहते हैं। मान लेते हैं मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया कि मेरे को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से मिला है लिखने को। यहाँ पे नीचे बोल रहा है कि हम किस टाइप का ऐसे चाहते हैं, इससे बेसिक चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, जो मोड चाहिए हम चूज कर सकते हैं, बेसिक ही रखते हैं। इधर पूछ रहा है कितने वर्ड में चाहिए, तो हम 200 से 500 ही रखते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज हम इंग्लिश चाहे तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं, बट हम इंग्लिश ही रख रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहे हम चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अनडिटेक्टेबल मोड चालू कर दे रहे हैं ताकि बिल्कुल भी AI जनरेटेड ना लगे। और यहाँ पे जनरेट टाइटल्स पे आगे क्लिक करते हैं, जिससे इसने मेरे ऐसे टॉपिक पे अलग अलग टाइटल्स क्रिएट करके दे दिए कि किस टाइटल को मैं चूज करना चाहता हूँ फॉर माय ऐसे। तो मैं अब ये वाला चूज कर ले रहा हूँ एंड आगे जनरेट कर रहे हैं। इसने फाइनली आगे मुझे पूरे आउटलाइन को क्रिएट करके दे दिया है कि ऐसे के अंदर किन किन टॉपिक्स को कवर करेगा। हम कुछ और टॉपिक्स वगैरह चेंज या ऐड करना चाहते हैं तो उधर से कर सकते हैं एंड फिर आगे यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अभी ये जनरेट कर रहा है, इसने फ्यू सेकंड में पूरा ऐसे क्रिएट करके दे दिया है। साथ में इसने अलग अलग सारे AI डिटेक्शन वेबसाइट पे चेक करके भी बता दिया है, तब ने इसको पास कर दिया, यानी ये टोटली ह्यूमन रिटन है और ये वो पूरा ऐसे जो इसने राइट करके दिया हुआ है। हम इसको कॉपी करके चेक करते हैं कि क्या ये अलग अलग AI वेबसाइट पे भी AI डिटेक्शन को पास करता है नहीं करता। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ये एक AI डिटेक्शन वेबसाइट है originality.ai, इस पे पेस्ट करके चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। तो इसने चेक कर लिया, ये 94% कॉन्फिडेंस में है कि ये ह्यूमन रिटन ही है, ओरिजिनल है, ये AI रिटन नहीं है, यानी दैट्स ग्रेट। मैं एक दूसरे AI डिटेक्शन के अंदर आ चुका हूँ जिसका नाम GPT-0 है। इस पे अपने टेक्स्ट को पेस्ट करके देखते हैं, क्विक AI स्कैन मैंने चालू कर दिया, देखते हैं ये क्या कहता है। ये भी हाईली कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ह्यूमन नहीं लिखा हुआ है। अगर हम चाहें अपने ऐसे में कुछ और टॉपिक्स वगैरह ऐड करना या कुछ चीजों के बारे में सर्च करना, तो 200+ मिलियन रिसर्च पेपर में सर्च कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स से, जितने भी वाई मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट पे रिसर्च वगैरह हुए हैं उनको चूज कर लिया और इधर सर्च किया एंड ये अलग अलग सारे पेपर्स में सर्च करके बता रहा है अभी कितने रिसर्च वगैरह पेपर्स वगैरह हुए हैं। तो इसने इतने सारे अलग अलग पेपर जो इसके ऊपर रिसर्च हुए उसने बता दिया और यहाँ से हम क्लिक साइट पे क्लिक करके ऐड करके उसको साइट कर सकते हैं। साथ में अगर अपने ऐसे के अंदर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस वाले टॉपिक को AI से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वाले टॉपिक को थोड़ा और लंबा करके लिखो, तो लॉन्गर पे मैंने क्लिक किया और साथ में इसने और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया और मैं इसको यहाँ से इंसर्ट बिलो कर दूंगा तो ये उसके नीचे आ जाएगा। ये सब कुछ बस 2 क्लिक्स के अंदर हो गया, पूरा ऐसे रेडी है। और सिर्फ यही नहीं, हम किसी भी चीज को AI के ऊपर सर्च करना चाहते हैं तो AI के अंदर लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने AI के अंदर सर्च किया कि हाउ स्टूडेंट कैन मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ, एंड इसने पूरे लिस्ट ऑफ चीजों को लिख के दे दिया जिसको हम चाहें तो अपने ऐसे के अंदर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर वो सारी चीजें इधर लिखी हुई आ गई। किसी भी बड़ी चीज को लिखे हुए हम समराइज कर सकते हैं एंड इधर स्कॉलर चैट का भी सेक्शन दिया हुआ है। ये स्कॉलर चैट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। इसके अंदर आप चैट कर सकते हो, चीजों के बारे में पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो, हम इसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ, आर देयर एनी स्टडीज व्हाई मेंटल हेल्थ इज वेरी क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स, मैंने इसको सेंड कर दिया एंड ये अभी पूरा ढूंढा है एंड इसने इतने अलग अलग सारे अलग अलग स्टडीज का रेफरेंस दे दिया। इसमें हम क्लिक करके एक्चुअली जो एक्चुअल स्टडी हुई है उस पर भी जा सकते हैं एंड अपने जो भी हम पेपर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं हेल्प ले सकते हैं। तो ये कितना इजी बना देता है सारी चीजों को। जब हमारा ऐसे आर्टिकल पूरा रेडी हो जाए तो हम उसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं बाई क्रिएटिंग अ लिंक, और इवन हम इसको चाहे तो वर्ड या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जनरेटर को स्किप करके राइटर के अंदर भी जा सकते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली हम अपना ऐसे लिख सकते हैं AI की हेल्प लेके। हम यहाँ पे खुद के कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स वगैरह अपलोड भी कर सकते हैं। /" करके टाइप करके AI को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ ही पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैट एंड डॉग्स, इसने पूरा लिख के दे दिया। एंड स्कॉलर चैट के अंदर जाके आप बिल्कुल यहाँ से चैटिंग कर सकते हो। 200+ मिलियन पेपर में टोटली हमारे साइंस बेस्ड आंसर मिलेंगे जो भी हम चीजें पूछेंगे और बात करेंगे। साथ में इसके अंदर भी और बहुत सारे पॉपुलर टूल मिल जाते हैं, जैसे ऐसे रीराइटर, ऐसे एक्सटेंडर, ऐसे चेकर, ऐसे का आउटलाइन जनरेटर, ऐसे को सॉर्ट करना, एक्सटेंड करना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है, यू कैन चेक इट आउट। लाइक लिटरली सेकंड्स के अंदर चीजों को जनरेट करके दे सकता है, व्हिच यू कैन यूज एज रेफरेंस या उससे इंस्पिरेशन लेके कुछ खुद की भी चीजें क्रिएट कर सकते हो।